यह है Redmi 6A और आज की वीडियो में कंप्लीट हम दोनों बोर्ड्स को एक्सचेंज करें। फर्स्ट नंबर पे है Redmi 6A और सेकंड नंबर भी Redmi 6A। इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, जितना भी इसका बैटरी सिस्टम है बिल्कुल डेड हो गया। आप सब देखोगे जितना भी बैक का पैनल है ये बिल्कुल फूल गया है, बीच में से बैंड हो गया। इसका जितना भी पार्ट्स है इस फ़ोन में और रिप्लेस करेंगे। दोनों फ़ोन हमारे लिए ना ही कोई चोरी का फ़ोन है। आप सब देखो दोनों में सिम अभी एक्टिवेट है। फ़ोन को लिए हुए कम से कम 5 साल हो गए, तो जितना भी बैटरी का सिस्टम है बिल्कुल डेड हो गया है। बीच में से फ़ोन कंप्लीट बैंड हो गया, जिसकी वजह से जितना भी टेम्पर है और फोल्डर वो डैमेज हो गया है। ये फ़ोन भी Redmi 6 से है, दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम है। इसका डाटा इसमें चला जाएगा, जितना भी मेन बोर्ड है ये रिप्लेस करेंगे। बीच में से फोन बिल्कुल बैंड हो गया है, ओ टाइप का हो गया, इस टाइप का। जितना भी बैटरी है बिल्कुल डेड हो गया, फूल गई है बैटरी। दोनों सेम मॉडल है, खाली इसका जो मेन बोर्ड है इसको रिप्लेस करेंगे दोनों फोन्स के। इससे होगा क्या, जितना भी हमारा डाटा है वो बच जाएगा। कभी भी आप इस तरीके से रिमूव करते हैं, हमने एक गलती कर दी, फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया। सबसे पहले कभी भी आप कोई भी पार्ट्स रिमूव करते हैं आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, ताकि कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो। अभी ये फ़ोन का बैक पैनल रिमूव नहीं हो पा रहा, हाँ दबा नीचे, घुमा घुमा घुमाता ले जा, दबा मत, घुमा घुमा पूरा घुमा, अब नीचे कर, अब उधर ले जा और आगे घुमा। देखो बड़े नाखून होने का फायदा भी है, अब थोड़ा नीचे कर, हाँ चल 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 चल, दोनों फोन्स कंप्लीट बैक पैनल रिमूव कर लिए गए और दोनों फोन को चेक करना है। अगर स्विच ऑफ ना हो तो पहले स्विच ऑफ करना है, नहीं तो कभी भी आप पार्ट्स रिमूव करोगे कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो मेन आईसीज है वो डेड हो जाएगी। अब आपको कैसे रिमूव करना है वो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें इस कनेक्टर को रिमूव करना है, ये रिमूव हो गया कंप्लीट। हमें इस कवर को रिमूव कर, प्लेट को एक्सचेंज कर देंगे और जितना भी डाटा वो बच जाएगा, इसका डाटा बचा रहेगा। अब क्रू ही स्क्रू देखोगे कितने स्क्रू हो जाएंगे अभी खोलते खोलते, और ज़्यादा लगे तो डरना मत। पहले हमने कुछ दिनों पहले इसका नीचे का पैनल रिप्लेस किया था जैक, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई है। हो सकता है पहले भी हो, वैसे टाइम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, 4 से 5 साल हो गए फ़ोन को परचेज़ किए हुए और दोनों सेम टाइम पे परचेज़ किए थे। इसका जैक में दिक्कत थी, तो नीचे का जैक रिप्लेस किया था हमने, बोर्ड पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था। हो सकता है उसकी वजह से भी डेड हो गया, क्योंकि इस फ़ोन को अभी तक हमने डिसमेंटल नहीं किया है। इसका नीचे का पैनल चेंज किया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद से ही बैटरी फूली है। अब डाउट पूरा पूरा लग रहा है, कहीं रिजेक्टेड माल चिपका दिया या उसमें कंट्रोलर ना दिया गया जो बैटरी को ओवर चार्ज करता हो, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको पहले व्यू करना है कहीं से कोई एक्स्ट्रा कनेक्टर तो कनेक्ट नहीं है जिससे बोर्ड फिक्स हो, तो हर कनेक्टर रिमूव कर लिए गए, प्लेट को रिमूव करना है। कनेक्टर ही कनेक्टर है, एक भी उड़ गया ज़्यादा फिर हम कनेक्टर से हाथ खो देंगे। ओहो बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, टूटा नहीं।
ये देखो ये होता है इसका मेन बोर्ड, ये देखो ये इसका मेन बोर्ड है इस फोन का। अभी एक्सचेंज किया जाएगा, अब इस फोन को डिसमेंटल करते हैं, खाली बोर्ड बोर्ड चेंज करना है, डाटा सारा बच जाएगा हमारा, कुछ रीसेट नहीं करना पड़ेगा हमें। अगर फोन सेम हो, सेम स्पेसिफिकेशन हो, तभी ये चेंज हो पाएगा, अदरवाइज अब एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो किसी भी सिस्टम से हाथ धो बैठोगे। अगर नॉलेज हो तभी करें, पता चला आपने दोनों फोन फूंक दिए। देखो अब क्या करना है, इस सेफ्टी कवर को रिमूव करना है। रिमूव हो गया, पैनल पे रखा, जितने भी कनेक्टर दिए गए हैं इस कनेक्टर को काफ़ी केयरफुल तरीके से रिमूव करना है, हर कनेक्टर्स को, बैटरी कनेक्टर, नीचे का कनेक्टर, सिग्नल कनेक्शन, देखो सारे रिमूव कर लिए गए। अब आपको इस कवर को रिमूव करना है, पहले ये हो गया रिमूव, ये साइड कर दिया, सब कनेक्टर रिमूव कर लिए गए, पर ना इस साइड से, क्योंकि ये इस तरीके से स्लॉट दिया गया, अंदर फिट किया गया स्लॉट, देखो बड़ी खतरनाक तरीके से उड़ते हैं दोनों के दोनों, ये इसका है ये इसका है। अब क्या करना है, दोनों क्रॉस में एक्सचेंज कर देना है, बस इतना छोटा सा काम है ये। बस हो गया बोर्ड चेंज, पहले कनेक्टर सारे लगा के चेक कर ले ऑन भी हो रहा नहीं हो रहा, वैसे तो दोनों फोन ऑन थे, उड़ने के बाद कह नहीं सकते। ओ ऑन हो गया, चलो बधाई हो, एक फोन तो हो गया ऑन। अब नेक्स्ट फोन की बारी, ये इस फोन का कैमरा इस पैनल पे रख देते हैं, फूक मारा, डस्ट वगैरह तो होगी क्योंकि खोला भी है, वो फोन ऑन हो रहा है। अब ये फोन खुल गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलाना खुद ही है, खुला हो चल ना खुला हो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तरक्की होगी, देखो दोनों फोन ऑन हो गए, टच वगैरह चेक कर लें, देख सकते हो आप, एक बार टच चेक कर लें, बस काम कर रहा है नहीं कर रहा, देखो ओके डन, टच काम कर रहा है, मेन तो यही है टच काम करना चाहिए। देखो बैटरी के दोनों चेंज हो गए, जितना भी पार्ट था, जितना भी डाटा था, वो कंप्लीट रिप्लेस हो गया दोनों फोनों में। अब जितना भी पैनल्स हैं, कवर है, सेफ्टी कवर्स दिए गए, हर पार्ट्स को फिट करते हैं, एक बार टच चेक कर लें। यही प्रॉब्लम है इस फोन में, ज़्यादा ये हैंग हो रहा है, इसमें हैंग इसलिए हो रहा है, इसमें लोड ही इतना बड़ा हुआ है। देखो दोनों फोन के टच प्रॉपर तरीके से वर्क करें, देखो
और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, टोटली फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। एक एक फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, एक एक फ़ोन को फिटिंग कंप्लीट करते हैं। ये दोनों को पैनल पैक किया, एक एक इसको टाइट करते चले जाएंगे। सबसे पहले इस जगह का लगाना है, कहीं से भी लगा सकते हैं लेकिन ये सेंटर का हमेशा एंड में लगाना, लास्ट में, क्योंकि प्लेट क्या होती है जब टाइट करते हो अगर कहीं से जिगजैग हो गया थोड़ा बहुत भी तो बीच से वो पार्ट डेड हो जाएगा। कोशिश ये करो क्रॉस डायरेक्शन में फिट करो। तीनों लग गए, इसमें मैग्नेट नहीं है, स्क्रू ड्राइवर में हमारी, नहीं तो स्क्रू जो है मैग्नेट से चिपक जाते है सॉरी। पावर बटन, डिस्प्ले, बैटरी और नीचे का बोर्ड का कनेक्टर को कंप्लीट कवर करना है इस सेफ्टी कवर से, इस तरीके से। और आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने फोन पे, क्योंकि हमारे पे दोनों फोन एक्स्ट्रा है ये, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पैसा बहुत है लेकिन है नहीं, देखो हाँ। इतनी गरीबी है कि हम फोन कैसे कैसे चला रहे हैं, और वो खराब हो गया था उसका डाटा बचा रहे हैं, नहीं तो दोनों फोन रीसेट करने पड़ेंगे, वो हम करना नहीं चाहते रीसेट। अरे डाटा नहीं, सिर्फ ईमेल का डाटा बचाना है। देखो लास्ट स्क्रू है ये बस इस सिस्टम का, और ये कंप्लीट। अब कुछ नहीं करना, जय माता दी बोलना है। देखो सारे स्क्रू टोटली कंप्लीट कर दिए गए, एक बार रीचेक जरूर करना है। पूरा एक कनेक्टर कंप्लीट फिट है, हर कनेक्टर को कंप्लीट कर दिया, अब इस तरीके से फिट कर देना है। और आज की वीडियो में कंप्लीट हमने डाटा को बचा लिया है, फोन को बिना रीसेट किए। देखो कैसे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। अब कुछ नहीं करना, सिम भी एक्सचेंज करनी है। क्योंकि दोनों जब फोन रिप्लेस करते हैं तो इसका सिम ट्रे का कलर भी मैच करना पड़ता है, अदरवाइज आप फिट भी कर सकते हो, आपको जिगजैग कलर रखना होगा, नहीं तो ये सेफ्टी कवर है हर कनेक्टर का, इससे पहले फिट करते हैं। बीच में वाइब्रेटर है, कैमराज हैं, बहुत पार्ट्स दिए जाते हैं जो कंप्लीट असेंबल होने के बाद एक मोबाइल फ़ोन बनता है। अब पार्ट्स गिनने लगोगे कम से कम लाख पार्ट्स होंगे इसमें, इतने छोटे से बोर्ड्स में गिनने बैठोगे तो। सेमीकंडक्टर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स भी यूज़ किए जाते हैं, गोल्ड्स भी यूज़ किया जाएगा। इसका जो मेन प्रोसेसर है उसमें गोल्ड्स होगा, सेमी कंडक्टर्स है, डायोड है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर्स है। ये हम अपने फोन में एक्सपेरिमेंट ही करते हैं।
ये देखो आपको फुली बैटरी दिखाते हैं, बिल्कुल पास से आओ, ब्लास्ट ना हो जाए, डर लगता है चेक करने में। एमआई का ही है ये देखो, ये फुली बैटरी है, ये जिगजैग हो रही है, देखो ये देखो इतनी बिल्कुल फूली हुई है ये। एक तो मैंने एक फायदा कर दिया इनका, बैटरी भी ज्यादा हो गई, देखो बैटरी दोनों की चेंज हो गई, परसेंटेज एक में 13 एक में 62%। ये आप सब देखोगे दोनों फोन का कंप्लीट मेन बोर्ड्स और रिप्लेस कर दिए गए, दोनों में टावर्स प्रॉपर आ गए। देखो इस फोन में प्रॉब्लम थी पहले वाले में, एक तो ये काफी ज्यादा गिर गुर के बैंड हो गया था, और जितना ये बैटरी है ये पीछे का पैनल ये बिल्कुल फूल गया है इतना ज़्यादा कि फ़ोन बैंड हो गया। आप सब देखोगे क्लाउड्स आ रहा है, सेम मॉडल है, अगर डिफरेंट होता है स्पेसिफिकेशन तब सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, उस टाइम आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोनों कैमरे एक बार चेक कर लें, देखो आपने देख लिया हमारे एक्सपेरिमेंट को, देखो कैमरा कितना साफ हो गया, दोनों का फर्क देख लो, इतना बैंड हो गया था फोन कि बीच में डिस्प्ले तक क्रैक होने लगी थी। कोई नहीं, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों फोन का देखो ये आप सब फर्क देखो, ये बिल्कुल स्लिम है और ये बिल्कुल पकौड़ी की तरह फूल गया, जैसे हम वो देखा होगा आपने, अरे वो पकौड़ी कहते हैं ना जो तलते हैं, क्या कहते हैं, हाँ पकौड़ी आपने देखा होगा नॉर्मल लैंग्वेज में, वो एकदम जब तलती है उसको बिल्कुल फूल जाती है, या भटूरे कह लो, उस तरीके से बिल्कुल फोन फूल गया है, बिल्कुल भटूरा बन गया। देखो ये देखो आप सब देखो, बिल्कुल भटूरा बन गया है फोन, इतना ज़्यादा फोन डेड हो गया। दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों सेम मॉडल है, दोनों सेम टाइम पे परचेज किए थे, बस ये पकौड़ा बन गया, ये बिल्कुल स्लिम है, इसने ज़्यादा खा लिया, इसने खाया नहीं, अब बिना रीसेट मारे हमने देखो डाटा भी बचा लिया, कैसे डाटा बचाते हैं, बट ये है आप पे सेम मॉडल्स होने चाहिए तभी आप कर सकते हो ऐसे एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो राम बोलो ये होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो ये हमारा फ़ोन था रियलमी C11, इस पर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसका फोल्डर रिप्लेस किया था हमने, इसकी वीडियो जल्द आएगी, पहली बार रिप्लेस किया डेड निकला, पैसे वेस्ट हो गए, दोबारे परचेज किया चला नहीं, फिर दोबारे आया परचेज खरीद, मतलब दोबारे आया हमारे पास पार्ट्स, ये पार्ट्स तब जाके फिट हुआ थर्ड बार में, पहली बार रिजेक्ट फिट किया हमने, पेस्टिंग वगैरह सब कर दी, उसके बाद वो ऑन ही नहीं हुआ, पैसे चले गए वेस्ट, एक दिन बाद काम नहीं किया, जिगजैग हुआ डिस्प्ले, टच काम करना बंद हुआ, वेस्ट, फोन किया कहते हैं जी आपने पेस्टिंग कर दी, वो वहाँ पैसे हमारे वेस्ट हो गए, दोबारे परचेज किया वो ऑन नहीं हुआ, फिर रिटर्न किया, रिटर्न के पैसे भी हमारे से लिए इन्होंने, अपने से नहीं दिए, फिर थर्ड बार आया परचेज करने के बाद, 2000 रुपये में हम लुटवा चुके हैं इस फोन में खाली फोल्डर के लिए। अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, देखते रहिए मोनू सिंह कार टेक्नोलॉजी, हम गाड़ियों छोड़ के फ़ोन भी रिपेयर कर देते हैं।